देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता जब से केजरीवाल जी के हाथ आई है, तब से दिल्ली वालों की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। केजरीवाल जी की भ्रष्ट मंडली के काले कारनामों के चलते चाहे सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में दिल्ली वाले नई नई आफतों से दो चार हो रहे हैं। कभी दिल्ली भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी को मोहताज होती है, अपना सारा काम धाम छोड़कर लोग एक बाल्टी पानी के लिए टैंकर के आगे घंटों जद्दोजहद करते हैं। 24 घंटे और मुफ्त बिजली देने के वादे करने वाले केजरीवाल जी के राज में दिल्ली घंटों बिजली गुल रहने से पसीने पसीने होती है, तो वहीं गर्मी से राहत देने वाला मॉनसून भी सरकारी लापरवाही के चलते दिल्ली में राहत देने की जगह नई आफत लेकर आता है। आए दिन कभी नाले में गिरने तो कभी करंट लगने से किसी न किसी की मौत होती है। इस मॉनसून सरकारी विफलता के चलते 35 से 40 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वहीं अकेले करंट लगने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब सर्दी के मौसम में दिल्ली पर फिर से गैस चैम्बर बनने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने मीटिंग बुलाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। हाल ये है कि जिस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास दिल्ली में प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी है, उस बोर्ड में लगभग आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इस मामले में फटकार लगाते हुए बोर्ड ने दिल्ली सरकार से पूछा कि बिना पदों को भरे पराली जलने और वायु प्रदूषण को आप कैसे रोकेंगे। दिल्ली में अब सांस लेना भी जानलेवा होता जा रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण के चलते दिल्ली में रहने वालों की उम्र 12 साल कम हो रही है। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, इसके बाद भी केजरीवाल जी बेशर्मी से प्रदूषण रोकने की जगह इसका ठीकरा दूसरे राज्यों पर फोड़ने में लगे हैं। केजरीवाल जी हर मौसम में दिल्ली को बर्बाद करना बंद कीजिए, इस्तीफा देकर दिल्ली को संकट से मुक्त कीजिए।